हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चों तक हम मुसहर बच्चों के साथ काम करते हैं बिहार में, जो जिले में, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो आप सबने कही है कि ये बात आ रही है कि बच्चे पढ़ाई कर ही नहीं पा रहे। अगर हमें इतनी मुश्किलें हो रही हैं कि हम टेक्नोलॉजिकली हम नहीं जुड़ पा रहे हैं, बच्चे तो बिल्कुल ही जुड़ नहीं पा रहे। मुसहर बच्चों की अगर हम बात करें तो वो पढ़ाई कर नहीं पा रहे। हमारी सीआईसी सेंटर जो हम चलाते थे, बच्चे जो स्कूल के बाद आते थे सीआईसी सेंटर्स में, स्कूल तो वो जा ही नहीं पा रहे। मिड डे मील भी उनको नहीं प्राप्त हो पा रही। और एक जो मुश्किल आ रही है कि चाइल्ड लेबर भी बढ़ गया है, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने, अब क्योंकि खेती भी शुरू हो गई है, बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता के साथ खेती में भी जाने लगे हैं। और गवर्नमेंट स्कीम्स की भी जो रीच है बच्चों तक, चाहे हम ICDS की बात करें जहाँ पे हमने इम्यूनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, और जो मिड डे मील, जो ICDS की जो जो खाने की व्यवस्था पहुंचाने की बात हुई थी, जो केंद्र सरकार ने बताई थी, वो भी चीज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है किसी भी लोगों तक। और ऑनलाइन पोर्टल की भी जो जो चीजें की गई हैं, जिसमें कि माइग्रेंट लेबरर्स को वापस लाना है और बच्चों तक पहुंचाने के लिए जो भी सुविधाएं हैं, वो भी सही तरीके से काम नहीं कर रही। ये फील्ड के हमारे जो पार्टनर्स हैं हमसे ये शेयर कर रहे हैं। और क्योंकि पेरेंट्स को टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी नहीं है और स्मार्टफोन्स भी नहीं है, इसीलिए पेरेंट्स भी अपने बच्चों की सहायता नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ही मुश्किल है, जबकि स्कूल बंद है, और खास करके मुसहर बच्चों के लिए जिनके पास जो एक मिड डे मील का जो साधन था, जो उनको मिल पा रहा था, वो भी नहीं मिल रहा, जो बहुत ही परेशानी की बात है इस वक्त सबके लिए। थैंक यू, धन्यवाद।